हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटासी डिसेंट चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग केएफसी बिग बैश लीग टी20 की बात करेंगे, जो कि मैच होगा यहाँ पर ब्रिस्बेन हीट वर्सेस सिडनी थंडर के बीच में। तो चलिए दोनों ही टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौन सा प्लेयर को हम लोग ऐसे स्मॉल लीग में लेके जाएंगे, कौन सा प्लेयर को हम लोग ऐसे ग्रैंड लीग में पिक करेंगे, प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस रहेगा, उसके बारे में बात कर लेंगे। पिच रिपोर्ट देख लेते एक बार, लास्ट में हमारी फैंटासी टीम देख लेते कि कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं, सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करें इस मैच की, इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ये पूरी टूर्नामेंट इसी यूट्यूब चैनल पर कवर की जाएंगी। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर त्रिपुरा वुमेंस टी20 के वीडियोज़ मिल जाएंगे और साथ ही में और भी नए वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। तो सारे अच्छे मैचेस के वीडियो यहीं पर मिलने वाले, तो यूट्यूब चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही में टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक अटैच किया हुआ है। इनकेस अगर लिंक नहीं करता तो टेलीग्राम में जाके सर्च करना है फैंटासी डिसेंट चैलेंजर, या फिर आपको सर्च करना है @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा, सिंपली आपको उसे ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको वहीं पर दी जाएगी। बात करें इस मैच की, तो ये मैच दोपहर में 12:35 पर कनारा ओवल करारा में खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट ऐसे न्यूट्रल और बैलेंस है, हालांकि यहाँ पर ऑलराउंडर्स के ऊपर थोड़ा सा फोकस करिएगा, क्योंकि यहाँ पर बैटिंग से ठीक ठाक यहाँ पर आंकड़े बनते हैं, 135, 140, 145 के आसपास स्कोर बनता हुआ नजर आ सकता है। बाकी चेजिंग करने वाली टीम को एडवांटेज है, तो आई थिंक जो भी टीम टॉस जीतेगी यहाँ पर चेजिंग करना पसंद कर सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं विकेट्स की, तो 10 मैच खेली गई जिसमें से 92 विकेट पेशर्स को मिली हुई, स्पिनर्स ने यहाँ पर 29 विकेट निकाली हुई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पेशर्स जो है यहाँ पर अच्छा कर सकते हैं, तो फोकस यहाँ पर इनके ऊपर ही करिएगा। बाकी बात करें वेन्यू परफॉर्मेंस की, तो ब्रिस्बेन हिट ने अभी तक 7 मैच इस ग्राउंड के ऊपर खेले, जहाँ पर 2 मैच वो जीती है, 5 मैच वो हारी है। सिडनी थंडर ने अभी तक 3 मैच यहाँ पर खेली, जहाँ पर 2 मैच में वो बाजी मार गई, 1 मैच वो हारी है। हेड टू हेड में भी देखोगे आप लोग ऐसे ब्रिस्बेन हिट थोड़ी सी यहाँ पर हाई लेवल पे दिखेंगे आपको, तो कहीं ना कहीं एडवांटेज यहाँ पर इनको मिलेगा। बाकी बात करें ऐसे ब्रिस्बेन हिट की, जो कि 4 मैच ऑलरेडी खेल चुकी है इस टूर्नामेंट के अंदर, जहाँ पर 1 मैच वो जीती और इन्हीं के सामने जीती थी लास्ट मैच, तो वही बात है 3 मैच वो हारी है। और इन दोनों के बीच में ही लास्ट मैच इन दोनों का इनके सामने हुआ था, यानी कि लास्ट मैच यही हुआ था, ये रीमैच होने वाला है। ओपनिंग में कौन है यहाँ पर, मैक्स ब्रायंट और यहाँ पर कॉलिन मुंद्रो दोनों ओपनिंग करवाया। अभी देखो मैक्स ब्रायंट की बात करो तो ठीक ठाक प्लेयर यहाँ पर 46 किए थे सेकंड लास्ट मैच के अंदर, लेकिन इस टीम के सामने इतना कोई खास परफॉर्मेंस है नहीं, अभी के लिए इनको मैं सजेस्ट नहीं करता। लेकिन कॉलिन मुंद्रो को एज अ प्लेयर यहाँ से सजेस्ट करता, इनको एज अ प्लेयर लेके भी जाना, इवन यहाँ पर कैप्टन और वाइस कैप्टन करना चाहो तो कर सकते हो। मैट रेंचो के भी इतने कुछ खास आंकड़े नहीं है इस टीम के सामने, तो आप लोग चाहो तो इनको ड्रॉप कर सकते हो, रिस्क ले सकते हो इनको ड्रॉप करने का। हालांकि इनको ड्रॉप करने के पीछे, इनको ड्रॉप ना करने के पीछे मेरा एक ही रीज़न है कि वो कभी कभी ऐसे ओवर्स वगैरह भी करवा लेते हैं, प्लस वन डाउन बैटिंग के लिए आ सकते हैं, तो इसके लिए ये एक सेफ पिक है वैसे, तो आप लोग इनको लेके जा सकते हो, रिस्क ले सकते हो तो इनको ड्रॉप कर सकते हो। सैम बिलिंग्स भी लास्ट मैच के अंदर इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दी, एक ही रन पे आउट हो गए थे और 79 किए थे इसके पहले वाली मैच के अंदर। अभी देखो दोनों के बीच में ऐसे कन्फ्यूजन होने वाली है, जिमी पियर्सन और यहाँ पर सैम बिलिंग्स, क्योंकि दोनों ही आपसे विकेट कीपिंग सेक्शन से दिखेंगे। और परफॉर्मेंस की बात करूँ तो दोनों ही का कुछ सेम ही परफॉर्मेंस है, एक मैच के अंदर सैम बिलिंग्स चलते हैं तो एक मैच के अंदर जिमी पियर्सन चलते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर लास्ट मैच के अंदर पियर्सन चले तो इस मैच के अंदर ऐसे बिलिंग चल सकते हैं, और वैसे भी मेरा फोकस थोड़ा सा है सैम बिलिंग्स के ऊपर ही रहेगा, मैं ऐसे सैम बिलिंग्स को लेके जा सकता हूँ। बाकी बात करें ऐसे रोज़ बेजली, तो इनको लेके जाने का लगभग कोई मतलब बनता नहीं है, काफ़ी नीचे बैटिंग करवाते, ओवर्स वगैरह ज़्यादा करवाते नहीं, और वैसे भी इनको लेने के लिए किसी बड़े प्लेयर को आपको छोड़ना पड़ सकता है, तो इसके लिए इनको लेके जाना अभी के लिए रिस्की रहेगा। माइकल रनसेर वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, वैसे इस ग्राउंड के ऊपर तो कभी खेला नहीं है, लेकिन रिसेंटली फॉर्म अच्छा है, तो इनको एज अ प्लेयर तो लेके जाना है, चाहो तो इनको कैप्टन या वाइस कैप्टन के तौर पर ट्राई कर सकते हो। बाकी बात करते हैं ऐसे जेवियर बार्टलेट, लास्ट मैच के अंदर विकेटलेस रहे लेकिन बैटिंग से 28 रन किए थे वो भी आखिर में आके, और चाहो तो इनको एज अ प्लेयर थोड़ा सा रिस्की तौर पर ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ओवर्स वगैरह ये पूरी करवा सकता है, तो भरोसा इनके ऊपर कर सकते हो। मार्श टैकेटी की बात करो तो शुरुआत के 3 मैच के अंदर विकेट्स दबा के निकालने के बाद लास्ट मैच के अंदर विकेटलेस रहा था। देखो लास्ट मैच की बात करो तो ये सारे के सारे यहाँ पर विकेटलेस ही रहे,
रहे होंगे क्योंकि सामने वाली टीम यहाँ पर बिना विकेट से जीत गई थी। सॉरी थंडर, सिडनी थंडर ने बाजी मार ली थी। सॉरी मैंने शुरुआत में यहाँ से ब्रिस्बेन हीट को विनर बताया, लेकिन सिडनी थंडर ने बाजी मार ली थी जो कि बिना विकेट से जीत गई, यानी कि 10 विकेट से उन्होंने बाजी मार ली थी। तो बात करिए ऐसे स्टैकेटी, तो स्टैकेटी को एज अ प्लेयर आप लोग ट्राई कर सकते हो। कुनेमन और स्विप्सन दोनों में से किसी एक को लेना है क्योंकि दोनों यहाँ पर लेफ्ट या से बॉलर्स स्पिनर्स गेंदबाज है। यहाँ पर कुनेमन की बात करो तो ऑर्थोडॉक्स है और यहाँ पर स्विप्सन लेग ब्रेक है, लेकिन कहीं ना कहीं इस ग्राउंड की बात करूँ तो स्पिनर्स को कम हेल्प ही मिल रही है, तो यहाँ से स्पिनर्स के ऊपर मेरा फोकस थोड़ा सा कम रहेगा। स्टार्टिंग ओवर्स की बात करूँ तो ऐसे माइकल नसेर और स्टेगेडी, और डेथ ओवर्स में ऐसे नसेर के साथ बार्टलेट डेथ में डालेंगे। बेंच में से कोई भी प्लेयर खेलता है तो इनके स्टैट्स और अपडेट वगैरह आपको टेलीग्राम में मिलेंगे। अभी देखो बेजली इस मैच के अंदर अवेलेबल है तो शायद यहाँ पर बार्टलेट की जगह पर एक बार फिर से बेजली को मौका दिया जा सकता है। बात करें सिडनी थंडर की जो कि 5 मैच के लिए जहाँ से एक ही मैच जीती, 4 मैच हारी है और इनके सामने जीती थी लास्ट मैच की बात करूँ तो। ओपनिंग में यहाँ पर एलेक्स सेल्स और मैथ्यू गिल्क्स दोनों ने ओपनिंग करवाया। अभी देखो एलेक्स सेल्स रिसेंटली फॉर्म अच्छा है तो इनको एज अ प्लेयर लेके जाना है, चाहो तो इनको कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। गिल्स की बात करो तो लास्ट मैच के अंदर 56 रन की पारी एक अच्छी खेली थी, तो अभी 3 प्लेयर है, तीनों में से किसी को लेना है आपको। पियर्सन है यहाँ पर, सैम बिलिंग्स है और गिल्स है, तो गिल्स तो शायद मैं अभी के लिए सजेस्ट ना करूँ। हालांकि इनके आंकड़े ना इस टीम के सामने थोड़े से अच्छे हैं, एवरेज की बात करूँ तो एवरेज के हिसाब से इनके आंकड़े अच्छे हैं, और लास्ट मैच के अंदर इन्होंने 10 विकेट से ही जीत लिया था, तो शायद इनसे एक बार फिर से एक बड़ी पारी की उम्मीद कर सकते हो। रिली रोशो ने लास्ट मैच के अंदर बैटिंग ये नहीं आई, लेकिन उम्मीद करेंगे कि इस मैच के अंदर बैटिंग आएगी, तो ये आपके लिए पंट प्लेयर बन सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर जनता इनको ड्रॉप करेगी। बाकी ओलिवर डेविस भी एक अच्छी पिक है, यहाँ पर इनकी भी बैटिंग नहीं आई थी, बाकी इससे पहले इन्होंने 2 मैच के अंदर लगातार अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, तो आई थिंक ये दोनों ही अच्छी पिक है और दोनों में से किसी एक को तो आपको ट्राई करना ही चाहिएगा। सैम बिलिंग्स एक बार फिर से हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप की चॉइस रहेंगे। बाकी एलेक्स रस की बात करूँ तो इस टीम के सामने एवरेज तो इनकी अच्छी है, लेकिन बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे होने के कारण शायद हम लोग इनको ड्रॉप करके जा सकते हैं। बाकी नथन मैक एंड्रयू वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, डेफिनेटली लेके जाना है। पिछले दोनों मैच के अंदर विकेट निकाले और आगे भी ऐसे 4 ओवर्स पूरी करेंगे तो ऐसे विकेट लेने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। क्रिस ग्रीन की बात करूँ तो इस टीम के सामने इनके आंकड़े अच्छे हैं, तो एक बार फिर से आप लोग भरोसा कर सकते हो। लास्ट मैच के अंदर जैसे 2 विकेट निकाले थे और आगे भी इनसे उम्मीद कर सकते हो। बाकी बैटिंग आने पर अच्छे खासा यहाँ से स्कोर वगैरह भी कर सकते हैं, तो इनके ऊपर भरोसा कर सकते हो। इस मैच के लिए आप लोग इनको ट्रंप कार्ड के रूप में शामिल कर सकते हो, शायद मैं ऐसे इनको लेके जा सकता हूँ। गुरिंदर संधू वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, डगेट या से उस्मान दोनों में से किसी एक को ट्राई करोगे। आई थिंक यहाँ से डगेट कंसिस्टेंट प्लेयर है, पिछली 2 मैच के अंदर विकेटलेस गया है, लेकिन यहाँ से उस्मान कादिर यहाँ पर ठीक ठाक कर सकते हैं, तो इनके ऊपर भरोसा कर सकते हो। पाकिस्तान के लेग ब्रेक बॉलर है, अभी वर्ल्ड कप के अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया था उन्होंने। डेब्यूटेंट तो 2020 में ही डेब्यूटेंट हो गए थे यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन अभी रिसेंटली इनका फॉर्म अच्छा है, तो इनके ऊपर भरोसा कर सकते हो। स्टार्टिंग में ऐसे गुरिंदर संधू और सी ग्रीन, डेथ ओवर्स में ऐसे डेनियल सेम्स और उस्मान कादिर डेथ में डालेंगे। बेंच में से कोई भी प्लेयर खेलता है तो इनके स्टैट्स और अपडेट वगैरह आपको टेलीग्राम में मिलेंगे, तो जल्दी से जाके आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अभी के लिए देख लेते हैं हमारी फैंटासी टीम कौन सी रह सकती है, कौन से प्लेयर को लेकर जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से ड्रॉप कर सकते हैं। तो विकेट कीपिंग सेक्शन से सैम बिलिंग्स को ही लेके जाएंगे, बाकी आप लोग यहाँ पर पियर्सन या गिल्स को भी ट्राई कर सकते हो, दोनों ही अच्छे फॉर्म में और ये दोनों की तरफ से भी ऐसे अच्छा परफॉर्मेंस आ सकता है, जैसे कि लास्ट मैच के अंदर गिल्स ने 56 रन किए थे। बैटिंग सेक्शन की बात करूँ तो ऐसे एलेक्स हेल्स रहेंगे, कॉलिन मुंद्रो और यहाँ से ओलिवर डेविस हमारी टीम के अंदर रहने वाले। यहाँ पर अदर चॉइस की बात करूँ तो रिली रोसो के ऊपर पूरा भरोसा कर सकते हो, डेविस की जगह पर आप लोग रिली रोसो को ट्राई कर सकते हो। ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ पर नसेर और डेनियल सैम्स रहेंगे, बाकी मैथ्यू रेंचो आपके लिए ट्रंप कार्ड बन सकते हैं क्योंकि ये कभी कभी ओवर्स वगैरह भी करवा लेते हैं, प्लस वन डाउन बैटिंग में आते हैं। ब्रेजली इस मैच के अंदर खेलेंगे शायद, तो इनको ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ पर स्टैकेटी रहेंगे, क्रिस ग्रीन रहेंगे, यहाँ पर गुरिंदर संधू, उस्मान कादिर को मैंने लिया है जो कि एक रिस्क है हमारे लिए, लेकिन यहाँ पर एक रिस्क ले लिया है मैंने। बाकी यहाँ से नथन मैक एंड्रयू को लिया हुआ है, यहाँ से आप लोग बार्टलेट या फिर डोगेट को ट्राई कर सकते हो। वैसे बार्टलेट ने लास्ट मैच के अंदर 28 रन की पारी भी खेली थी, तो बैटिंग से भी कमाल कर सकते हैं। टीम की बात करूँ तो टीम को जिस तरह से रहेगी, कैप्टन रहेंगे यहाँ से डेनियल सेम्स, वाइस कैप्टन यहाँ से एलेक्स हेल्स रहने वाले। अदर ऑप्शंस की बात करूँ तो नसेर को ट्राई कर सकते हो, कॉलिन मुंद्रो को ट्राई कर सकते हो क्योंकि कॉलिन मुंद्रो के इस टीम के सामने आंकड़े अच्छे हैं, तो या से इनके ऊपर भरोसा करना चाहो तो कर सकते हो।
बाकी टीम कुछ इस तरह से रहेगी, याद रहे कि जो टीम इंडिया वो टीम है। फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलने वाली है फाइनल लाइनअप के बाद, तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, इनकेस अगर लिंक वर्क ना करे तो टेलीग्राम में जाके सर्च करना है फैंटासी डिसेंट चैलेंजर, या फिर आप सर्च करोगे @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा। तो सिंपली आपको उसे ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको वहीं पर दी जाएगी। या अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आगे आने वाली और अच्छे मैचेस के वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं ब्लॉग अगले वीडियो में एक नए सरप्राइज वीडियो के साथ, तब तक आप पूरा वीडियो देखते रहो, अच्छे से एनालिसिस करो, अच्छी टीम बनाओ, अच्छी विनिंग करते रहो। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।